घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? किसे पता चला पुष्पा के प्लान के बारे में? एमएलए ने कैसे यूज किया पुष्पा को? किसने पुष्पा की पूरी फैमिली को बनाया बंदी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को किडनैप करने के लिए पुष्पाराज का फ्रेंड केशव को कहता है कि श्रीवल्ली को पुष्पा ने मंदिर में बुलाया है। इसीलिए पुष्पा का फ्रेंड श्रीवल्ली को लेकर मंदिर जाता है, लेकिन वहां पुष्पा नहीं होता और जॉली श्रीवल्ली को किडनैप करके ले जाता है। जब ये बात पुष्पा को पता चलती है तो उसके और जॉली रेड्डी के बीच में घमासान फाइट होती है। पर उस फाइट के बीच एमएलए आकर पुष्पा और जॉली को बताता है कि शेखावत ने मंगल सीनू के साथ मिलकर सारे डीलर्स को अपने साथ मिला लिया है, जिस वजह से अब कोई भी हमसे लाल चंदन नहीं खरीदने वाला। तब पुष्पाराज कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब इसके आगे की कहानी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पुष्पा कहता है कि मेरी किसी से भी जाति दुश्मनी नहीं है, मैं बस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। इसलिए अगर चेन्नई का मुर्गन या कोई भी खरीददार रेड सैंडलवुड नहीं खरीदेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारा लाल चंदन चाइना से होता हुआ जापान जाता है। और वो कहता है कि मैं अपने माल को डायरेक्ट जापान पहुंचाऊंगा। ये सुनकर एमएलए और जॉली रेड्डी हैरान हो जाते हैं। एमएलए उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, जापान तक माल लेकर जाना और वहां डीलर को माल बेचना, इसमें जान का खतरा है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि पुष्पाराज शिप के द्वारा अपने माल को लेकर डायरेक्ट जापान बेचने के लिए निकल पड़ता है। इधर शेखावत को भी उसके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो भी शिप लेकर अपनी पुलिस फोर्स के साथ पुष्पाराज को समंदर के रास्ते पकड़ने के लिए वहां पर जाता है। समंदर के बीचों बीच दोनों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। पुष्पा शेखावत को चकमा देकर वहां से जापान निकल जाता है और भंवर सिंह को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब शेखावत पुष्पाराज की फैमिली को कैद करके टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि पुष्पाराज की अब सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली है। जब पुष्पा को पता चलता है कि भंवर सिंह ने उसकी फैमिली को कैद कर लिया तो वो इंडिया वापस आ जाता है। अब शेखावत उसे एक खुफिया अड्डे पर बुलाता है जहां उसकी फैमिली को कैद किया होता है, और वहां मंगल सिन्हू, एमएलए जग्गा रेड्डी, जॉली रेड्डी और दक्षा भी पहले से ही मौजूद होते हैं। असल में पुष्पाराज के जरिए एमएलए रेड सैंडलवुड का इल्लीगल बिजनेस दूसरे देशों से डायरेक्ट करना चाहता था, इसलिए एमएलए ने पुष्पाराज का इस्तेमाल किया। और जब पुष्पाराज ने जापान जाकर रेड सैंडलवुड की डीलिंग को रास्ता खोल दिया तो एमएलए भी बाकी सब के साथ मिल गया, लेकिन पुष्पाराज उन सब से एक कदम आगे निकला। इसीलिए उसने जापान के डीलर से जाकर कहा कि इंडिया के कुछ डॉन उसको लाल चंदन को जापान में लाने से रोक रहे हैं, इसलिए जापान के माफिया डॉन्स उसके साथ इंडिया आ गए और पुष्पाराज ने उन जापान के गैंगस्टर की आर्मी की मदद से उन सब पर हमला कर दिया। अब चारों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और पुष्पाराज का फ्रेंड केशव पुष्पाराज की फैमिली को वहां से बचा कर ले जाता है। अब पुष्पाराज और शेखावत का आमना सामना होता है, दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन शेखावत आखिरकार उसके हाथों मारा जाता है और एमएलए जॉली रेड्डी, जग्गा रेड्डी, दक्षा और मंगल सिन्हू भी जापानीज गैंगस्टर के हाथों मारे जाते हैं। अब पुष्पाराज जापान से डायरेक्ट लाल चंदन की डील्स हमेशा के लिए करने लग जाता है और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाता है। तो ये थी पुष्पा 2 की पूरी स्टोरी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसा ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।